नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित दुबे, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मरीज का फॉलोअप कैसे लेना है। मरीज का फॉलोअप लेते समय आपको क्या क्या चीज़ें नोट करना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले मरीज का चीफ कंप्लेंट C/C, ऐसे आपको लिखना है। आगे लिखना है उसकी चीफ कंप्लेंट्स क्या है, अर्थात मरीज आपसे शिकायतें क्या क्या करता है, भाई उसे क्या क्या तकलीफ हो रही है। तकलीफों में मरीज आपको बता सकता है कि भाई उसके सर में दर्द है, सर में दर्द होगा तो आपको हेडेक लिखना है, उसके पेट में दर्द है आपको एब्डोमेन पेन लिखना है, उसके चेस्ट में दर्द है आपको चेस्ट पेन लिखना है। जिस प्रकार की तकलीफ मरीज को हो रही है, जो आपको वो बताएगा वही आपको चीफ कंप्लेंट में लिखना है। दोस्तों, इसके बाद सीधे सीधे ऑन एग्जामिनेशन पर आपको आना है। ऑन एग्जामिनेशन में आप क्या देख रहे हैं, उस इस समय पर आपको क्या दिख रहा है मरीज के अंदर, मरीज स्टेबल है या नहीं, मरीज के अंदर इरिटेबिलिटी तो नहीं है, मरीज स्थिर है या नहीं। इसके बाद में आप उसका टेम्परेचर, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट, और साथ साथ दोस्तों कई बार यूरिन आउटपुट भी लिखना जरूरी हो जाता है। जब डेंगू का मरीज होता है तो यूरिन आउटपुट लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई मामले में किडनी के भी पेशेंट आते हैं जिसमें यूरिन आउटपुट लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी प्रकार से ऑन एग्जामिनेशन में आपको स्टूल कितनी बार पास किया है यह भी लिखना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग RS रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओर चलेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने क्या देखा, चेस्ट उसका क्लियर है या नहीं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उसका कैसा है, S1 S2 नॉर्मल है या नहीं। इसके बाद में दोस्तों अगर निमोनिया का मरीज है, LRTI लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन उसको हुआ है तो चेस्ट उसका कंजेस्टेड रहेगा, आपको लिखना है उसका चेस्ट कंजेस्टेड है या क्लियर है। इसके बाद दोस्तों हम लोग पर एब्डोमेन की तरफ चलेंगे कि अब एब्डोमेन उसका कैसा है, पेट उसका कैसा है, सॉफ्ट है या टाइट है या गैस उसके अंदर भरा हुआ है। जो कुछ भी आपको स्थिति दिखाई दे रही हो मरीज में वही चीज़ आपको वहाँ पर फॉलोअप में लिखना है। इसके बाद दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको लिखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात उसका सेंट्रल चेतापेशी का क्या उसके शरीर पर नियंत्रण है या नहीं, उसके शरीर पर नियंत्रण बना रहा है या नहीं, वो लोगों को पहचान पा रहा है या नहीं, वो होश में तो है ना, बेहोश तो नहीं है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको क्या लिखना है, वो होश में है या बेहोश में है, तो ओरिएंटेड एंड कॉन्शियस। ओरिएंटेड है अगर सब कुछ जान पा रहा है, सब कुछ जान पहचान रहा है तो उसको ओरिएंटेड हम लोग लिखेंगे। कॉन्शियस अर्थात वह चेतना में है, अगर वह चेतना में नहीं है तो आपको क्या लिखना है, पेशेंट इज अनकॉन्शियस अर्थात जिस टाइम पे आपने उस मरीज को देखा वो हमें कैसे मिला, अचेत मिला, अचेतना में मिला। तो दोस्तों फॉलोअप मतलब यही होता है कि मरीज को आपने किस कंडीशन में देखा है, कितने बजे कितने टाइम पर देखा था, वो टाइम डाल करके आपको नोट्स लिखना पड़ता है। जब आप हॉस्पिटल में RMO के रूप में तैनात होंगे तो आपको हर मरीज की फाइल पर अपना फॉलोअप लिखना पड़ता है, चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे वह RMO हो, चाहे वह नर्सिंग स्टाफ ही क्यों ना हो, सबको अपने अपने नोट्स लिखने ही पड़ते हैं। तो हर मरीज का जब आप इस प्रकार से नोट रखेंगे तो कोई भी आपका सीनियर डॉक्टर जब आएगा तो फाइल को पढ़ते ही समझ जाएगा कि मरीज को क्या क्या दिक्कतें आई थी, कब क्या दिक्कत थी। आपके लिए भी दोस्तों आसान हो जाएगा कि वो रिकॉर्ड आपके पास रहेगा कि भाई कब हमारे पास पेशेंट आया था, कैसी कंडीशन में था, अब कैसा है। और हर दिन का नोट आपको लिखना है, दो राउंड आपको बनाने चाहिए, सुबह और शाम के राउंड अपने मरीजों का बनाना चाहिए अगर पेशेंट आप एडमिट कर रहे हैं तो। और वैसे भी जनरल एग्जामिनेशन जब आप लेते हैं, जनरल एग्जामिनेशन में भी आपको नोट्स लिखना जरूरी होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि फॉलोअप कैसे लेना है, फॉलोअप का फॉर्मा कैसे रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे जानकारी वाले मेडिकल से संबंधित वीडियो ला सकूँ, ताकि आप लोग मेडिकल क्षेत्र में प्रगति कर सकें। नमस्कार दोस्तों।